बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्नी होते क्या हैं, एक्नी बनने के क्या रीजंस होते हैं, अगर हमारी स्किन पर एक्नी निकलना शुरू हो गए हैं तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्नी एक ऐसा स्किन का प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर यंग गर्ल्स और बॉयज़ को इफ़ेक्ट करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीनेज के दौर में अमूमन 90% लड़का हो या लड़की इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। कुछ को एक्नी ज़्यादा होती है और कुछ को कम, लेकिन चेहरे पर दाने निकलना एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो व्यूवर्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि एक्नी होते क्या हैं। हमारी स्किन के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड, जो नेचुरल ऑयल रिड्यूस करता है, उसका नाम है सीबम। जब छोटे से पोर के अंदर एक्सेस में ऑयल निकलता है और जब डेड सेल्स उसको ब्लॉक या क्लॉग कर देते हैं और उसके ऊपर डर्ट या बैक्टीरिया लगता है तो एक बम्प बाहर निकलता है जिसका नाम है एक्नी। एक्नी बनने के मुख्तलिफ रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने की चीज़ें जो हम आजकल ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग, फिजी ड्रिंक्स, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स वगैरह वगैरह। ये वक्ती तौर पर तो हमारा टेस्ट है, लेकिन इन खानों से हम बहुत सी बीमारियों को दावा दे रहे होते हैं जिनमें हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। इसके अलावा हार्मोन्स की प्रॉब्लम और कुछ लोग रंग गोरा करने के चक्करों में मार्केट की चीप कमर्शियल क्रीम्स यूज़ करने और बहुत सा कॉस्मेटिक यूज़ करने से भी अपने चेहरे की स्किन डैमेज कर बैठते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, जिससे मैदे में तजाबियत पैदा हो जाती है और चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। एक्नी से ना सिर्फ हमारी स्किन ख़राब होती है बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आ जाती है। अच्छी सेहत और एक्नी से छुटकारा पाने के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह निहार मुँह कम से कम 4 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स की बजाय फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। जंक फूड्स की जगह जितना हो सके अपने खानों में सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हम अंदर से तंदुरुस्त होंगे तो चेहरे पर निखार करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यूवर्स, कोशिश कीजिए कि कॉस्मेटिक कम से कम इस्तेमाल करें और अगर दिन में मेकअप किया हो तो रात सोने से पहले ज़रूर अपना मेकअप उतार कर सोएं। अपने फेस को साफ रखने के लिए दिन में 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह अपने फेस को वॉश करें। इसके अलावा व्यूवर्स, मैं आपको आज एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसको यूज़ करने से अगर आपके चेहरे पर दाने निकल आए हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इसके लिए लेंगे हम एक बर्तन। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच डालेंगे इसमें मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून फटकरी। अब हम इसमें डालेंगे 4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के। व्यूवर्स, ये टी ट्री ऑयल आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगा। ये दानों के लिए, पिंपल्स, एक्नी वगैरह के लिए बहुत ही बेस्टिंग है। अब हम इसमें गुलाब का अर्क डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। गुलाब का अर्क डालने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। आपने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और जिस जगह आपके पिंपल हैं आपने वहाँ पे एक ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और जब ये ड्राई हो जाए तो आपने सादा पानी के साथ इसे वॉश कर लेना है। डेली 7 डेज तक यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चेहरे से एक्नी, पिम्पल्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। व्यूवर्स, मैंने आज आपको एक्नी की प्रॉब्लम्स और इसका इलाज बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्नी से बनने वाले दाग, निशानात वगैरह किस तरह बनते हैं, उनकी रीजंस बताऊंगी और उनका इलाज बताऊंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।